हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मर्ज टू सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली हमारे पास दो लिंक्ड लिस्ट दिया होगा सॉर्टेड, दोनों के दोनों जो लिंक्ड लिस्ट होगा सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। हमें क्या करना है, उन दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है और इन प्लेस मर्ज करना है। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हमें नहीं लेना है। जैसे देखो, हमारे पास एक लिंक्ड लिस्ट है जिसमें चार एलिमेंट है, दूसरा जो लिंक्ड लिस्ट है इसमें तीन एलिमेंट है। हमें क्या करना है, इसको ऐसे मर्ज करना है कि सॉर्टेड ऑर्डर में ही रहे, राइट? तो कैसे होगा, मैं आपको इतना अच्छा से बताऊंगा कि अगर आप इसको भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे। तो प्लीज अगर आप वीडियो को अंत तक देख लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक क्वेश्चन आपको इतना आसानी से समझ में आएगा कि आपको मजा आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक लिंक्ड लिस्ट जिसका साइज 4 है और एक का क्या है 3। इतना समझ में आ गया, एक का 4 है और एक का क्या है 3 है, और इसमें चार एलिमेंट है और इसमें क्या है 3 एलिमेंट। तो मैं क्या देखूंगा, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है और यहाँ क्या है 40, और यहाँ क्या है कुछ नहीं है तो नल है, ठीक है। दूसरा यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 20। तो देखो, जो मर्ज करने का सबसे आसान तरीका, क्योंकि ये जो लिंक लिस्ट है सॉर्टेड है तो मैं इसका एडवांटेज उठाऊंगा। पहला सोल्यूशन आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि एक अलग से नोट बनाओ और उसमें क्या करो, या फिर एक वेक्टर बनाओ, इसको ट्रैवर्स करो और उसमें डाल दो, उसमें डाल दो, उसमें डाल दो, या फिर आप सेट का यूज कर सकते हो। सेट सेट क्या करता है, यूनिक एलिमेंट को रखता है। लेकिन हो सकता है इसमें इसमें भी 3 हो, इसमें भी 3 हो, तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर यूज कर लूंगा और इसमें डाल दूंगा, जैसे 5, 10, 15, 40, फिर इसको डाल दो 2, 3 और 20, और फिर इसमें से एक एक एलिमेंट को निकालो, एक एक एलिमेंट को निकालो और इसको सॉर्टेड ऑर्डर में आप अरेंज कर लो, राइट? तो उससे एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है, जो कि एक काफी घटिया सोल्यूशन है, क्योंकि हमें इन प्लेस करना है। तो कैसे होगा, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहां शुरू करूंगा, इसको मैं मान लूंगा करेंट 1, इसको मैं मान लूंगा क्या करेंट 2, ये हमारा हेड 2 है, ये हमारा हेड 1 है, मैं इसको करेंट 1 मान लूंगा, करेंट 2। अब देखो, अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, जब तक करेंट 1 और करेंट 2 है, वाइल करेंट 1 एंड करेंट 2, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा क्या जो करेंट 1 का एलिमेंट है 5, वो करेंट 2 के एलिमेंट से छोटा है, नहीं छोटा है। क्या जो करेंट 1 का एलिमेंट है वो बड़ा है, हाँ बड़ा है। क्या जो करेंट 2 का एलिमेंट है छोटा है, हाँ छोटा है। तो जो छोटा रहेगा इन दोनों में से, जो छोटा रहेगा मैं पहले उसको लिखूंगा, पहले मैं 2 का लिख लूंगा और मैं पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा, करेंट 2 यहाँ आ गया, ठीक है। अब मैं 3 और 5 में से, इन दोनों में से चेक करूंगा छोटा कौन है, तो छोटा 3 है। तो मैं क्या करूंगा, जो 2 पहले से है उसके लास्ट में 3 को ऐड कर दूंगा, उसके एंड में, उसके टेल में 3 को मैं ऐड कर दूंगा और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। अब देखो 5 और 20 में कौन छोटा है, 5, तो इसके टेल में मैं क्या करूंगा, 5 ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैं 5 ऐड कर दिया तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 10 और 20 में छोटा कौन है, 10, तो इसके टेल में मैं 10 ऐड कर दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा। 15 और 20 में छोटा कौन है, 15, तो 10 के टेल में 15 ऐड कर दूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। 20 और 40 में छोटा कौन है, 20, तो 20 इसके टेल में ऐड कर दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं यहाँ आगे जाऊंगा। और जैसे मैं आगे गया तो यहाँ क्या है, नल है, और जैसे ही नल मिल गया तो इसमें जितने भी एलिमेंट बचे हैं, फिलहाल तो 1 बचा है, जितने भी बचे हैं सबको लिख दो, तो 40 बचा है 40। और जैसे ही आप इतना लिखोगे तो आप देखोगे कि अरे यार, ये तो हमारा जो लिंक लिस्ट है वो शॉर्ट हो चुका और मर्ज भी हो चुका, राइट? तो हमें क्या करना है, दोनों के हेड को पकड़ना है और कंपेयर करना है, दोनों में से छोटा कौन है, जो छोटा है उसको पहले लिख दो और जिसको लिख दिया फिर आगे बढ़ाओ, फिर इन दोनों में कंपेयर करो, 5 और 3 में छोटा कौन है, 3, तो 3 को लिख दो, फिर इन दोनों में कंपेयर करो, ऐसे ही कंपेयर करते रहो और उसके टेल में ऐड करते जाओ, हमारा काम हो जाएगा, राइट? ये है हमारा काफी एफिशिएंट सॉल्यूशन, हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस भी यहाँ नहीं ले रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ट्राई रन करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, अगर हेड 1 हमारा नल है तब तो हेड 2 को ही रोटेट कर दो। मतलब जैसे देखो, एक लिंक लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट है, एक लिंक लिस्ट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो मतलब यही हमारा सॉर्टेड ऑर्डर हो गया, यही मर्ज है, तो हेड 2 को रिटर्न कर दो। अगर हेड 2 हमारा नल है तो हेड 1 को कर दो, नहीं तो क्या करो, एक हेड वेरिएबल बनाओ, हेड, और एक करेंट बनाओ, और जब तक करेंट 1 बनाओ जिस जो हेड 1 को रिप्रेजेंट करता है, और करेंट 2 हेड 2, और जब तक ये लूप है, मतलब जब तक करेंट 1 में एलिमेंट है और करेंट 2 में एलिमेंट है, तो चेक करो क्या करेंट 1 का जो डाटा है अगर स्मॉलर है या फिर इक्वल टू है करेंट 2 के डाटा के, तो करेंट का नेक्स्ट क्या कर दो, करेंट 1 कर दो और करेंट 1 में आगे बढ़ जाओ, राइट? जैसे हमने आपको बताया है, अगर जो 2 है इससे छोटा है या फिर बराबर है तो पहले 2 लिख दो और 2 में आगे बढ़ जाओ, इसमें आगे बढ़ गए, ठीक है सर, समझ गया। वैसे ही अगर करंट 1 का जो डेटा छोटा है, अगर लेस देन है तो इसको लिख दो, अगर ग्रेटर देन है तो करंट का नेक्स्ट हमारा करंट 2 हो जाएगा, करंट 2, और करंट 2 को आगे बढ़ा दो।
और लास्ट और करंट वन करंट को तो आगे बढ़ाते जाओ, राइट। इतना मुझे समझ में आ गया। और इफ करंट वन नॉट इक्वल टू नल है तो करंट का नेक्स्ट करंट वन कर दो और करंट का नेक्स्ट करंट टू कर दो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो क्या करना है, एग्जाम्पल लेना है, कोई भी एग्जाम्पल जैसे इस एग्जाम्पल को पकड़ना है और जैसे मैंने यहाँ ड्राई रन किया है वैसे करना है, सेम टू सेम यही चीज़ यहाँ बताया गया है, इसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। हमने क्या किया, जैसे देखो यहाँ 1 2 3, यहाँ जैसे है 4 और 5, यहाँ 6 है, राइट। तो करंट वन इसको मान लिया है, करंट टू इसको मान लिया, वन इसे छोटा है, छोटा है या फिर बराबर है, छोटा है तो पहले वन कर लो, वन के लिए तो फिर इसमें आगे बढ़ोगे ना, यस। इसमें करंट वन का डेटा अगर लेस देन है इससे करंट टू के डेटा से तो करंट का नेक्स्ट करंट वन कर दो और करंट वन बराबर करंट वन का नेक्स्ट, मतलब करंट वन आगे बढ़ोगे, यस। ऐसे ही करते जाना है और लास्ट में आंसर हमारा आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो जाएगा जो इसमें से बड़ा होगा उतना बार हमारा लूप चलेगा, जो हमारा इसमें से छोटा होगा उतना बार लूप चलेगा, तो ओ ऑफ एम छोटा पर चलेगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन। और सेम टू सेम यही कोड आपको जावा में देखने को मिलेगा। इसमें एक डमी नोड बना लो, जब तक कंडीशन हमारा ट्रू है, अगर हेड वन हमारा नल है तो टेल वन का नेक्स्ट हेड टू कर दो, ब्रेक कर दो। हेड टू हमारा नल है तो टेल वन का नेक्स्ट हेड वन कर दो, ब्रेक कर दो। अगर इससे कम है तो टेल वन का नेक्स्ट हेड वन हो जाएगा, इसमें आगे बढ़ते रहो। अगर ज़्यादा है तो इसमें आगे बढ़ते रहो और टेल वन टेल का टू टेल कनेक्ट करते रहो, राइट। क्योंकि उसमें डमी नोड बना है और लास्ट में इसका नेक्स्ट रिटर्न कर दो। तो सेम सेम वही कोड है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो के पीछे करो और शुरू से देखो, समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, कोड रन करके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको डीएसए काफी स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए एक नोट्स, तो आप इस लिंक पर जाकर इसको ले सकते हैं जो काफी लोगों का हेल्प कर रहा है, आपका भी हेल्प करेगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप चाहते हैं नहीं यार मुझे तो डीएसए जो है, जो डीएसए है मुझे वो वीडियो के थ्रू ही समझ में आएगा, वीडियो के थ्रू, तो आप इस गिग्स पर गिग्स के कोर्स को ले सकते हैं जो काफी फैंटेस्टिक है। अगर आप लॉगिन10 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 15% का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कोड अब रन करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अभी कोड आपको रन करके दिखाऊंगा। तो ये है हमारा C++ का कोर्स जो मैंने आपको पढ़ाया है, सिंपल से वही कोड है, इसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। मैं सिंपली कर दूंगा सबमिट पर क्लिक, और जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा एक कोड कंपाइल होकर थोड़ा सा टाइम लगेगा और रन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, आपको जावा का कोड दिखाऊंगा। हमारा जावा का कोड भी सेम टू सेम वैसा ही है, इसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। मैं जावा को सबमिट कर दूंगा। कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो मैंने आपको लॉजिक समझाया है दो एग्जाम्पल लेकर उसको आप ध्यान समझें, क्योंकि उसको आप समझ लेंगे कोड अपने से हो जाएगा। हलवा है कोड, क्या है हलवा, काफ़ी आसान है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।